तो अभी मैं घर आई हूँ और घर आते ही मैंने क्या देखा कि हमारे घर पे एक नया प्राणी आ चुका है जो बेचारा किसी का शिकारी था, मतलब शिकार होने वाला था। ये रहा वो प्यारा सा पीजन। सो देखो इसके साइड पे जख्म हो रखा है, मम्मी ने इसकी पट्टी कर दी है। और ये ना आँख चमका रहा है, सांस ले रहा, पर मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और अभी मैं खाना खाने लगी हूँ। और मम्मी ने बनाया है, पता नहीं क्या, क्योंकि मैं मम्मी ने बताया था, अभी मम्मी आ गई थी तो मेरे को तो बिल्कुल भी भूख नहीं लगी, क्योंकि मैं बाहर का ट्रम शटरम खा के आई हूँ। और ये कड़वा सच्ची मैं अपनी मम्मी को बता नहीं सकती क्योंकि जब अगर मम्मी को ये कड़वा सच पता लग गया तो मेरे लिए ये बहुत कड़वा हट की बात होगी। तो मेरा तो दिल कर रहा है मैं सो जाऊं, लेकिन उससे पहले मैं अभी पढ़ूंगी बुक, क्योंकि मेरा बहुत इंटरेस्ट बन रहा है उस बुक पे। उसके बाद मैं बुक पढ़ूंगी 2 घंटे या 1 घंटा, जितना भी मेरा दिल करेगा। फ़ोन तो मैं बिल्कुल नहीं चलाने वाली, मैं फ़ोन बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ अब, क्योंकि मेरी आँखें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, मतलब बहुत अजीब सा। एक पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ये मैंगो और जंक फूड से दूर रहूँ, क्योंकि मेरे मुंह का बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है छोटे छोटे पिंपलों के साथ। और ये दर्द भी करते हैं, मुंह भी नहीं धोया जाता, अभी मैंने साबुन लगाया था, इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी। ये दो नए जो टिंगी पिंगी शुरू हो गया, ये टिंगी है या पिंगी है, टिंगी पिंगी बहुत मेरे को परेशान कर रहे हैं। तो मम्मी ने पता नहीं कौन सी जगह, हाँ आलू मटर बनाए हैं, और हमारे घर में वो पिजन भी आया। और वो जैसे ठीक हो जाएगा हम उसको छोड़ देंगे, क्योंकि ऐसे बर्ड्स को नहीं रखते। तो बस यही मेरी बकवास ख़त्म होती है। तो अभी मैं बुक पढ़ूंगी, फिर मैं आपको मिलूंगी जब मैं कुछ छोड़ करूंगी। ये मम्मी ने बनाई है और मेरा बिल्कुल भी जी नहीं है, जिससे मैंने आपको बताया कि मैं कड़वा सच मम्मी को बता नहीं सकती, तो इसलिए मैं कोई खा नहीं। मेरे मुंह के पिंपलों की फरनाइल जो मेरे पिंपलों को छकाछक कर, खुद में पानी जिससे मेरे पिंपल पिंपल शायद 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 ठीक हो जाएंगे। तो अभी मैं सीता मम्मा से कुछ मीठा लेने गई थी और मम्मी ने मेरे को ये दिया, ये बताइए क्या है, पर ये ना मीठे बिस्कुटों की तरह लग रहा है। तो अभी मैं करने लगी हूँ ब्रश, क्योंकि आपको पता ही है जैसे मेरे दांत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इसलिए उसके लिए ब्रश बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है कि ब्रश करते हो किसी को दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे बड़ी गिची गिची सी होती है, मतलब गिची गिची होती है, तो इसलिए मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, बस मैं ब्रश करी उतना दिखाऊंगी। तो मेरा ब्रश डन हो गया, अभी मैं पढ़ूंगी बाइबल, उसके बाद मैं सोचूंगी। बाइबल पढ़ने से पहले मैं लगाऊंगी अपने फेस पे मुल्तानी मिट्टी मिट्टी जिससे मेरे ये जो फफोले और रखे हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो ये रही वो मिट्टी, इसे थोड़ा सा हम ऑब्जर्व होने देंगे, फिर उसके बाद हम बाइबल पढ़ लेंगे। ये मेरे फेस का काम भी कर देगी और हमको चमचमाता फेस भी दे देगी। तो इसे थोड़ा सा ऑब्जर्व करने देते हैं, बारिश फिर मिलाती हूँ मैं अपने फेस पे दिखाती हूँ। सो मैंने ये कपड़ा बांध लिया था जिससे बाल बिल्कुल आगे नहीं आते, तो ये देख लो भूत, और ऐसे स्पंज के साथ ये उतरती है, नहीं तो ये उतरती नहीं है। तो बस अभी मैं फेस वॉश कर लूँगी और इससे मेरे पिंपल जो दर्द वाला था ना वो सिस्टम वो ख़त्म हो चुका है। और मम्मा मेरे सामने खड़े थे, संडे को हमारी शादी है जिसे बताया, मेरे को अलग अलग कपड़े निकाल निकाल के दिखा रहे थे कि तेरे पास ये है, तेरे पास ये है, तेरे पास ये है, फिर भी तेरे तू सुनती नहीं है, फिर बोलती है नए कपड़े लेके दो। तो फिर मेरे मम्मा को थोड़ा सा इग्नोर मारा क्योंकि अगर मैं मम्मा की बात सुनती तो मेरे को उनमें से कुछ पहनना पड़ता। तो फिर मम्मी अंदर चली गई, फिर एक और पोर्टली खोल के दिखाने लग गए मेरे को कि ये पहन, ये पहन, ये पहन, ये पहन। मेरा सारा तामझाम हो चुका और अभी मैं सोने लगी हूँ, क्योंकि मेरी आँखें चिंदाई गई हैं, 10 बज चुके हैं, फिर सुबह बनूँगी। गुड मॉर्निंग, सो आज है थर्सडे और मैं ऑफिस आ चुकी हूँ, और मेरे पिंपल बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं यार, पता नहीं क्यों। और अब आज मैं ब्रेकफास्ट में लेके आई हूँ कुछ अलग, मम्मी ने बनाया था, तो दिखाती हूँ। सो ये है मेरा ब्रेकफास्ट, और जिसमें टमाटर, खीरा, टमाटर, आलू उबले हुए, और 2-3 दालें हैं, एंड प्याज है, नींबू है,
नमक, प्याज नींबू नमक, तो उसके साथ ऑफ कोर्स मेरा लेमन जूस हाँ, मेरा लाइम वाटर जिसमें नमक नहीं है भी डालना, बस यही दिखाना था आपको। तुमको पता मेरा जो ऑफिस का वॉशरूम है ना, वो 50 पौड़ियाँ चढ़कर है। अगर तुमको विश्वास नहीं होता तो अभी मैं जाऊँगी ना दोबारा से, तो मैं आपको दिखाऊँगी 50 पौड़ियाँ। वो चढ़ते चढ़ते मेरे को इतना पसीना आ जाता है, पता नहीं क्यों मैंने दिखाया, पर पता नहीं। मेरे ऑफिस के बिल्कुल साथ में ना एक बंदे ने क्या बोलते हैं शपील का लंगर लगाया हुआ है, वो भी सिद्धू मूसे वाले के लिए। उसके गाने लगा रखे हैं ऊंची ऊंची एकदम मस्त वाले, और उसके नाम का लंगर दे रहा सभी को। मुझे इसलिए पता है क्योंकि ना यहाँ पे बहुत सारे बंदे ऐसे इलाज से लेके जा रहे हैं। मैं नहीं गई थी, सच में मैं नहीं गई थी। तो मैंने लोगों को देखा तो मैंने आपको बताया, तो उसने ऊंची ऊंची गाने भी लगाए हुए हैं। तो मतलब उसके पापा का कल मैंने इंटरव्यू सुना, मतलब इंटरव्यू नहीं था वो, जो उनका फोक था ना सिद्धू मूसे वाले का, तो उसमें बताया था उसने जो भी उसने स्ट्रगल किया उसके बेटे ने, मतलब सिद्धू ने, वो सुन के ना मैं रोने लग गई। मतलब इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा बुरा हुआ यार। चलो मैं इस उस टॉपिक के बारे में तो बात नहीं करती, क्योंकि शायद कोई मेरी तरह भी होगा जो इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि जितना मैं सुनती हूँ ना उतना ही मेरा जी खराब होता है, मतलब मेरे को रोना आता है। तो इसलिए फिर मैं ऐसे देखती हूँ कि भी मैं इन चीज़ों से दूर ही रहूँ। बस ये बताना था कि बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, लेकिन गॉड ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे, वो ऐसे नहीं जाने देंगे। बट जो उन्होंने खोया है वो कभी उनको मिल नहीं सकता। पर उन्होंने ये भी बोला कि मैं 5-10 साल मैं सिद्धू को आपके दिलों में ज़िंदा रखूँगा, तो वो तो हमेशा मेरे दिलों में ज़िंदा ही रहेगा यार, हमारे दिलों में। तो चाहे उसके गाने आए चाहे ना आए, जिसने उसके गाने नहीं भी सुनना वो बंदा भी उसके लिए रो रहा है, क्योंकि वो एक सच्चा इंसान था। मुझे ऐसा एक सच्चा इंसान था, क्योंकि उस इंसान के लिए सारे बंदे रो रहे हैं। वो शख्स हमारे दिलों में हमारे दिमाग में इस तरह से बस गया है। बहुत लोग मरते हैं यार, मतलब ऐसे गोलियां खा के भी मरते हैं, लेकिन कभी किसी के लिए भी इतना मुझे तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन पता नहीं क्यों इस बंदे के लिए ना बहुत कुछ हो रहा है, मतलब वो देखो मैं दिखाती हूँ, ये देखो, और ये एक नहीं मिनट एक एक सेकंड बाद यहाँ से निकल रहे हैं बंदे ये जूस लेके, तो मेरे को पता लगा। तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि बहुत बुरा हुआ, परमेश्वर उसकी सोल को रेस्ट दे, पीस दे, और उसे हैवन दिखाए, और क्योंकि वो हैवन ही डिजर्व करता है वो बंदा। मैं उसकी फैन थी, मेरा दिल था बहुत कि मैं उससे मिलूं, और जब मैं फेमस हो जाऊंगी थोड़ी तो मैं उसके साथ एक सॉन्ग भी करूं, बट कोई बात नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता था वो बंदा। सिर्फ गानों के लिए नहीं, वो उसके गाने अच्छे हैं इसलिए नहीं, या गानों के लिए नहीं। कभी इतना उसका एक वो गाना ना 295 वाला मेरा फेवरेट है, और उसका वो वाला गाना जिसमें सोनम बाजवा है, नहीं उसके तो बिल्कुल फेवरेट है, एक वो वाला गाना सैड सॉन्ग, उसके जितने भी सैड सॉन्ग है ना वो सारे मेरे फेवरेट है। ये चक्क में गाने इतने फेवरेट नहीं है जितने मेरे सैड सॉन्ग फेमस है सुनने के। वो देखो एक और भाई बहन निकल रहे हैं जूस पीते, तो ये मिनट मिनट के बाद निकल रहे हैं। तो बस ये बोलना था, अभी भूख लग रही है मेरे को, लेकिन मैं खाऊंगी नहीं रोटी, क्योंकि पता नहीं क्यों, और 2 बज गए, मैंने कोई काम धंधा नहीं किया, कर लिया थोड़ा बहुत ही किया, सो मिलती हूँ बाद में। इसलिए रिसेंटली मैंने एक 2 मक्खियों का सफाया किया था, की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि लाइट नहीं है हमारे यहाँ पे। तो अभी एक ना जो मक्खी है वो मेरे टॉप के अंदर फंस चुकी है, ये जो जाली वाला टॉप पहना हो, ये जो जाली वाला टॉप पहना हो, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, वो मेरे हाथ में है। मेरा दिल तो कर रहा है उसको मार दूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगी नहीं। पता नहीं आपको दिख रही है कि नहीं, ये रही विंग मक्खी। तो इसको इसमें इसके अंदर जाने को किसने बोला था? ये ऐसे ही दुखी करती है, फिर तुम आराम से घूमो, है ना, इतना
बैठो खाओ पियो ऐश करो, पर नहीं, इनको खुद अपने काल के पास आना है। तो अभी मैं इसको मार देती हूँ, कोई तो फायदा नहीं है इसको अगर छोड़ूंगी तो। पर चलो छोड़ देती हूँ, निकल जा। चली गई फाइनली, मैं निकाल दी क्योंकि मैं उसको मारना नहीं चाहती थी। पता नहीं आज ना मेरा किसी का कत्ल करने का दिल नहीं है।